कीजिए। ये प्रतियोगिता समाप्त हुई। कोई विजयी नहीं हुआ। मंत्री जी। जी महाराज, सभी तालियां बजाने में व्यस्त हैं। किसी को इस बात का आभास नहीं है कि राजगुरु तथाचार्य महाराज कृष्णदेव राय का अपमान करके चले गए हैं। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे विश्वास है कि गुरुवर ने आपका अपमान करने की चेष्टा नहीं की। वो तो केवल अपने मत से आपको अवगत कराना चाहते थे। आपसे विनती है महाराज, कृपया गुरुवर को पुनः दरबार में बुला लें। उचित कथन है आपका पंडित रामकृष्ण। गुरुवर को पुनः राज दरबार में बुलाया जाए, अवश्य बुलाया जाए, परंतु उसकी एक शर्त होगी। और वो शर्त ये होगी कि वो आएंगे और सभी के समक्ष हमसे महाराज कृष्णदेव राय से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि उनसे त्रुटि हुई है। सभी के समक्ष उन्होंने अनुचित व्यवहार किया है महाराज से, एक राजा से, तो क्षमा तो उन्हें मांगनी होगी। पुनः बुलाया जाए गुरुवर को रात दरबार में। महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप स्वयं जाए और गुरुवर को पुनः रात दरबार में लेकर आए क्षमा मांगने हेतु, एक राजा से क्षमा मांगने हेतु। जी महाराज, हम जी महामंत्री जी, आप जी महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 आप महाराज के व्यवहार से रुष्ट ना हो, ये महाराज का स्वाभाविक व्यवहार या आचरण नहीं है, ये तो उनके अंदर अहंकार में लिपटा क्रोध बोल रहा है। मंत्रीवर, बालक हटिए, आप हटिए हटिए। बालक, हमने कहा ना, आप हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न ना करें। अरे महामंत्री जी, आप किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? हम गुरुवर को बुलाने जा रहे हैं। लेकिन दरबार में बुलाने का काम तो दरबार का होता है। अच्छा, तो आप दरबान का भी कार्य करते हैं? क्या हुआ मंत्रीवर, आप अभी तक गए नहीं? और अब हम जाएंगे भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पंडित रामकृष्ण, हम यहाँ के कोई दरबान नहीं है, महामंत्री है, और हम वही करेंगे जो एक महामंत्री को शोभा देता है। मंत्रीवर, ये समय इन बातों का नहीं है, कृपया समझने का प्रयास कीजिए। समझने का प्रयत्न आप कीजिए पंडित रामकृष्ण, बल्कि यूं समझिए कि हम अभी से अवकाश पर हैं। मंत्रीवर, अरे सुनिए तो। ए बंधु! रामा, मंत्रीवर भी क्रोधित हो गए, अब गुरुवर को मनाने तुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ बंधु, जाना तो पड़ेगा, अन्यथा ये क्रोध की ज्वाला सारे विजयनगर का नाश कर देगी। वरुणमाला, वरुणमाला कहाँ हो तुम? क्या है, वहीं है जहाँ होना चाहिए। ये कैसा उत्तर? जैसे आपने प्रश्न किया वैसे ही हमने आपको उत्तर दिया। तू ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो फिर? उत्तर नहीं देते हैं तो कहते हैं सब सुन गया, उत्तर देते हैं तो कहते हैं चिल्ला क्यों रही हो। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
घर हो या दरबार, कोई हमसे सीधे मुंह सम्मान से बात ही नहीं कर रहा। गुरुजी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मुंह ही कुछ ऐसा हो। एक बार जाके दर्पण में देख लो, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। सही बोलते तो मारते क्यों? हमारी सौदामिनी देवी के पैर में छाले पड़ गए, हमें जाना होगा, उसे देखने अभी जाना होगा। एक कार्य करो, शीघ्र जाओ, जाकर हल्दी का लेप बना कर लाओ। अब आपको लेप क्यों चाहिए? अरे छाले पड़ गए उसको। छाले? छाले पड़ गए यहाँ हृदय में, हमारे छाले पड़ गए। क्या अब हमें घर में हल्दी का लेप भी नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, रसोई घर में रखा है, हम अभी लेकर आते हैं और साथ ही साथ एक छुरा भी लेकर आते हैं। छुरा? छुरा क्यों? स्वामी छुरे से ही तो आपका हृदय चीर कर देखेंगे कि छाले कहाँ हैं, लेप वहीं तो लगाएंगे ना। रुको, यहीं रुको, हम स्वयं जाएंगे। सौदामिनी देवी के पैरों में छाले पड़ गए, हम अपने हाथों से लेप लगाएंगे और ठीक कर देंगे उसे। हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? लेप लगाने। किसको? आपको। अच्छा, आपको लेप नहीं लगाएंगे तो हमारे हृदय को लेप नहीं लगेगा। नहीं समझे? हम समझाते। प्रिय सौदामिनी, लेप लगाने के लिए तो यहाँ आना ही होगा ना, है ना? तभी हमारा कष्ट दूर होगा। ये देखिए, हम हल्दी मिश्रित लेप लेकर आए हैं, आपके छालों पर अपने हाथों से लगाएंगे। लगाने दो ना। नहीं, आप हमें छूना भी मत। आपकी उपस्थिति में दरबार में हमारी ये स्थिति हुई है। इसी समय यहाँ से निकल जाइए। नहीं, हम लेप लगाएंगे। हम नहीं लगाने, हमें लगाने देंगे। हम नहीं लगाने देंगे। दीक्षा बहुत लंबी हो गई, गुरुवर अभी तक नहीं आए। आप दोनों मात्र इतना बताएं कि गुरुवर कहीं तो होंगे। पंडित रामकृष्ण जी, आज भरे दरबार में महाराज ने हमारे गुरु जी का जो अपमान किया है ना, उसके बाद वो कहीं के नहीं रहे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हाँ, अपने घाव पर लेप लगाने गए हैं, आ रहे होंगे। क्षमा कीजिए पंडित रामकृष्ण, अनुवाद के कार्य में आज की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं गुरुवर, मैं यहाँ अनुवाद कार्य के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं तो, महाराज ने कहा है कि यदि आप एक बार उनसे एक क्षमा मांग लेंगे तो। क्षमा? मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुवर, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अवश्य हम क्षमा मांग लेंगे, अवश्य क्षमा मांग लेंगे। अब जाइए, कल मिलते हैं दरबार में। धन्यवाद गुरुवर, मुझे आपसे यही आशा थी। अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। मनी, कल भरे दरबार में महाराज से हमारे गुरुजी क्षमा कैसे मांगेंगे? इनकी शक्ल देख के लगता है कि इन्हें क्षमा मांगना आता भी होगा। हैं? कल तुम दोनों समस्त विजयनगर के साथ देख लेना कैसे हम मांगते हैं क्षमा। लगता है गुरुजी कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं। गुरुवर आ गए।
प्रणाम गुरुवर। विजयनगर नरेश तुलवा वंश के शिरोमणि महाराजा धीराज कृष्ण देव राय जी पधार चुके हैं। महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 राजी तो अंततः गुरुवर क्षमा मांगने आ ही गए। हम प्रसन्न हैं गुरुवर, आप आज यहां राज दरबार में उपस्थित हैं और इस राज दरबार में वही हो रहा है जो होना चाहिए, अर्थात महाराज को अपनी भूल समझ में आ गई। महाराज हम भी प्रसन्न हैं। क्या आपको ज्ञात हो गया है कि हम यहां किस मंशा से आए हैं? याद भी है और इस बात से प्रसन्न भी है कि आप वो करने जा रहे हैं जो आपको करना चाहिए। दरबार में सभी उपस्थित हैं, आप मांगिए। महाराज तो लगता है कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आपका दिया बहुत कुछ है, आज हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुवर सीधे सीधे महाराज से क्षमा क्यों नहीं मांग रहे? ये दोनों किस विषय में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ समझे नहीं गुरुवर। महाराज आपने सत्य को समझ लिया, हमारे लिए काफी, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। हम कुछ दे नहीं रहे हैं गुरुवर, परंतु आप यहां जिस प्रयोजन से पधारे हैं उस कार्य को पूर्ण कीजिए। मांगे। अच्छा, जब कुछ देना ही नहीं है तो फिर मांगने का क्या अर्थ हुआ? वही अर्थ गुरुवर, वही कारण जिसके लिए आप यहां पर आए हैं, तो वही मांगे। क्या क्या मांगे? हमसे क्षमा मांगिए। क्षमा? क्षमा मांगे आपसे? जी हां, जो आपके लिए उचित है। महाराज श्री कृष्णदेव राय, हमारी एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। हमारे लिए हमारे सम्मान से अधिक उचित और कुछ नहीं है। हम यहां क्षमा याचना हेतु नहीं आए हैं। क्या बोल रहे हैं गुरुवर? महाराज गुरुवर के कहने का तात्पर्य ये है कि पंडित रामकृष्ण जी, आपका मतलब है महाराज को कुछ समझ में नहीं आता। हर बात उन्हें समझाने लगते हैं। देखो सोमू, बस पंडित रामकृष्णा, एक दोषी का पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। हम मन बना चुके हैं गुरुवर, दंड कठोर होगा। तो ठीक है महाराज श्री कृष्णदेव राय, हमारी विनती है, आप दंड की घोषणा कीजिए। राजगुरु तथा चार्य को दंड का कोई भय नहीं है। अभी तो हम दंड के पात्र हो सकते हैं, परंतु क्षमा के नहीं, क्योंकि हम क्षमा नहीं मांगेंगे। We'll be right back.
विजयनगर राज्य के नरेश कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि विजयनगर राज्य के राजगुरु आचार्य तथाचार्य को हमारे आदेश की अवहेलना और हमारा अपमान करने के अपराध में मृत्यु दंड देते हैं। निर्दोष गुरुवर को मृत्यु दंड देना तो ब्रह्म हत्या होगी। अब क्या करेगा रामा? पता नहीं बंधु, घोर अनर्थ है ये, घोर अनर्थ। चलिए गुरुवर। स्मरण रहे महाराज श्री कृष्णदेव राय, यदि एक राजा होने के नाते आपके पास दंड देने का अधिकार है तो एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास भी क्षमा ना मांगने का अधिकार है। हमें आपका दंड तो स्वीकार है परंतु आपकी क्षमा नहीं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। सोच रहा है रामा, अब क्या करेगा? बंधु, अब तक मैं इस धारणा को अस्वीकार करता रहा कि इस बालक सोमू का महाराज के अत्यधिक क्रोध से कोई संबंध है, किंतु अब प्रतीत होता है कि इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। और जब तक मैं कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता, इस बालक सोमू को महाराज से दूर रखना ही उचित होगा। किंतु उससे पूर्व गुरुवर को बचाना होगा, परंतु कैसे? हे माँ, आज जो दरबार में हुआ वो उसका परिणाम विध्वंसकारक हो सकता है। माँ, मेरी व्यवस्था यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रामा, ये सब बहुत दुखद है और तेरी प्रचंड पराजय है। हाँ बंधु, अब तो केवल एक ही सहारा है। मुझे ज्ञात है, ना ही तुम आओगी और ना ही मेरी सहायता करोगी, पर मुझे तुम्हारी प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कुछ सूझ नहीं रहा। माँ, अनर्थ होने से बचा लो। माँ, कुछ करो, कुछ करो। माँ, पंडित रामाकृष्णन जी, क्या व्यथा है? बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बताऊं पुजारी जी, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके विषय में नहीं कुछ कह सकते हैं नहीं सह सकते हैं। समस्या असीमित हो जाती है। हर समस्या का समाधान निश्चित है। ओम शांति।
पुजारी जी, ये आपने मेरे माथे पर क्या लगाया? सुगंध से चंदन प्रतीत हो रहा है। रामाकृष्णन जी, ये चंदन ही है, ये आपके मस्तिष्क के तनाव को दूर करेगा और आपके मन को शांति मिलेगी। आपने जैसा कहा मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है, मन शांत हो गया है, मन को धैर्यता प्राप्त हुई है। धन्यवाद पुजारी जी। नमस्कार। आज्ञा दीजिए। आयुष्मान बाबा, पंडित रामाकृष्णन जी, ये स्फटिक की माला लेते जाइए। मैं रामेश्वरम गया था तो अम्मा जी ने लाने को बोला था, इससे रक्तचाप सदैव नियंत्रण में रहता है। ये आप अम्मा जी को दे दीजिएगा। उचित है, धन्यवाद। तुमने मेरा खिलौना तोड़ा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। परंतु मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना। अब हम दोनों सबकी नहीं है। तुम्हें नहीं रखनी मित्रता तो मुझे भी नहीं रखनी। रे 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 रे, एक सामान्य से खिलौने के लिए मित्रता भंग कर दी, तुम दोनों तो बहुत बुरी हो। देखो बेटा, खिलौना तो दूसरा भी मिल सकता है, किंतु मित्र, अच्छा और सच्चा मित्र बार बार नहीं मिलता। और मालती, भूल चाहे जानबूझकर हुई हो या अनजाने में, भूल भूल होती है। पर मैं क्या करूं? इसको मुझ पर गुस्सा आ रहा है। मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं तुम्हें दूसरा खिलौना लाकर दूंगा, तुम उसे स्वयं इसे दे देना। किंतु पहले मित्रता करो और अपनी सखी को गले मिलो। चलो। कोई बात नहीं, खिलौना टूट गया तो। मालती, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना? बस एक प्रेम भरा आलिंगन, एक स्नेह भरी चेष्टा और क्रोध शांत हो गया। इस क्रोध का बल तो मेरे समक्ष भी था कि मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। यही क्रोध के विरुद्ध सबसे बड़ा शस्त्र है और उसका समाधान भी। पुजारी जी ने सत्य कहा था, हर समस्या का समाधान निश्चित है। ये स्फटिक की माला लेते जाइए। मैं रामेश्वरम गया था तो अम्मा जी ने लाने को बोला था, इससे रक्तचाप सदैव नियंत्रण में रहता है। ये आप अम्मा जी को दे दीजिएगा। स्फटिक की माला, रक्तचाप क्रोध से बढ़ता है। स्फटिक की माला रक्तचाप को नियंत्रण में लाती है, अर्थात क्रोध पर भी काबू पा सकती है। ये दूसरा शस्त्र है क्रोध के लिए। मैं ना समझ इसे समझ ही नहीं पाया। ये चंदन ही है, ये आपके मस्तिष्क के तनाव को दूर करेगा और आपके मन को शांति मिलेगी। हाँ, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मेरा मन तनाव से ग्रस्त था। इस चंदन की शीतलता ने उसे शांत और विचारशील बना दिया है। क्रोध के समय मनुष्य का मन अति उग्र और असंयमित हो जाता है, तब चंदन के गुण काम आते हैं। मैं तुम्हारा संकेत समझ गया माँ, मुझे शीघ्र महाराज से मिलना चाहिए। प्रणाम महाराज। क्या उद्दंडता है? हम एकांत चाहते थे, हमारा आदेश था हमारे कक्ष में कोई नहीं आना चाहिए, फिर आप कैसे आ गए? महाराज, वैसे ही आया जैसे पंडित रामकृष्ण जी आए बिना आपकी अनुमति के। पंडित रामकृष्ण, हमारी अनुमति के बिना आप भीतर चले आए, इस अवमानना के लिए आपको दंड मिलेगा। ए बंधु,
दिन का दूसरा मृत्यु दंड महाराज तुझे देंगे। हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए पंडित रामकृष्ण। महाराज, त्रुटि होने पर उत्तर नहीं क्षमा की प्रार्थना दी जाती है, अतः मुझे क्षमा कर दे। मैं मंदिर गया था, चंदन लेकर आया हूँ, आपको टीका लगाना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप ये? चंदन का टीका कदापि महाराज के माथे पे नहीं लगना चाहिए। माँ काली के मंदिर से लाया हूँ महाराज। पंडित रामकृष्ण जी, हमारे पिताजी ने बताया था कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, और फिर ये तो महाराज है, आपने इनकी भी बात नहीं मानी। आपको इस तरह कक्ष में नहीं आना चाहिए था। हमें क्रोध आता नहीं है, परंतु आप सभी की त्रुटियां हमें क्रोधित करती हैं पंडित रामकृष्ण। अब इससे पहले कि हम भूल जाएं कि आपने हमारे राज्य के लिए कितनी सेवाएं की हैं, आप यहां से निकल जाइए। जाइए शीघ्र। रामा, महाराज को कभी मैंने इतने क्रोध में नहीं देखा। तू सत्य कहता है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। शत्रु? धन्यवाद बंधु, तूने शत्रु का नाम लिया। अब मुझे देखना है कि महाराज का नया शत्रु अतिथि गृह में क्या योजना बना रहा है। हाँ बंधु, देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। ये पंचवृषा महोदय तो बहुत ही शांत और धैर्यवान है। क्रोध के शिकार महाराज के लिए इसे पराजित करना संभव ही नहीं होगा। मुझे कोई भी युक्ति लगाकर सर्वप्रथम महाराज को शांत करना होगा, और उसके लिए पहले गुरुवर को उनसे माफी मांगनी होगी। शांत होने के उपरांत ही मेरी किसी बात का प्रभाव पड़ेगा महाराज पर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। यहां आने का अपना प्रयोजन बताइए पंडित रामकृष्ण, क्योंकि हम जानते हैं कि मात्र प्रणाम करने के लिए आप यहां नहीं आए होंगे। बोलिए। सत्य वचन गुरुवर, मैं यहां केवल प्रणाम करने नहीं आया, अपितु अंतिम प्रणाम करने आया आपको भी, और हमारे महान राजा श्री कृष्ण देव राय के न्याय और विवेक को भी। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? तो मैं और क्या कहूं गुरु भाई, मैं और क्या कहूं, आपकी दशा देखकर और क्या कहूं मैं। अरे आप तो बचपन से उनके साथ है ना? आपके नहीं, महाराज के बचपन से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग उन्हें महान राजा कहते क्यों हैं। ऐसा किया क्या है उन्होंने? ना तो न्याय की परिभाषा जानते हैं, ना प्रजा का हित। चलो माना, माना कि इस समय उनकी मानसिक अवस्था उपयुक्त नहीं है, वो क्रोध के शिकार हैं, तो उसने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। और पंडित रामकृष्ण, क्रोध में बावला व्यक्ति अपनी
विचार शक्ति खो देता है। अच्छे बुरे में अंतर करना उसके लिए संभव नहीं होता है, फिर वो चाहे महाराज ही क्यों ना हो। हाँ, किंतु जब ऐसा नहीं था तब उन्होंने क्या कर लिया? हाँ, प्रजा की समस्याओं के लिए ना ही उनके पास समय है, ना ही उन्हें सुलझाने की चाह। नहीं पंडित रामकृष्ण, नहीं, पहले ऐसा नहीं था। महाराज के लिए अपने से अधिक अपनी प्रजा का हित होता था। मुखौटा था गुरुवर, मुखौटा था जो महाराज अपने चेहरे पर धारण किए रहते थे, मैं बता रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि महाराज अत्यंत ही स्वार्थी, लालची और आत्म केंद्रित व्यक्ति हैं। क्या आपको अभी लगता है कि वो महाराज कहलाने या बनने के योग्य है? बस पंडित रामकृष्ण, एक शब्द और नहीं, मत भूलिए आप कि वो हमारे महाराज, राज्य के स्वामी, हमारे पुत्र के समान। हमें एक बार क्या, 100 बार भी फांसी पर चढ़ा दे, हम उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनेंगे। लगता है कि आप भूल गए कि जिसे आप कोस रहे हैं उसने अनेकों बार अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया है। एक राजा होकर भी प्रजा में सेवक की भांति रहे हैं वो। और न्याय की क्या बात करते हैं आप पंडित रामकृष्ण, इतिहास साक्षी है उनके न्याय और कर्म परायणता का। ना गुरुवर, महाराज तो मैं कह रहा हूं। मानते हैं पंडित रामकृष्ण, मानते हैं कि महाराज ने हमें मृत्यु दंड दिया, परंतु विचलित अवस्था में दिया, मानसिक तनाव में दिया। मनुष्य हैं, त्रुटि हो सकती है, हो गई त्रुटि, परंतु हमने बात को संभालने के स्थान पर क्या किया? एक क्षमा तक नहीं मांग पाए हम। सत्य तो ये है पंडित रामकृष्ण कि हमें हमारा अहंकार फांसी पर चढ़ा रहा है, महाराज नहीं। आज तक उन्होंने हमसे कुछ नहीं चाहा, मात्र दिया दिया और देते रहे, और हम एक क्षमा न मांग पाए। हाँ तो गुरुवर, अभी भी समय कहाँ बीता है? यदि आपको ऐसा लगता है तो बाद में पश्चाताप करने से उपयुक्त है कि क्षमा मांग ले। हाँ, हमें ये विचार क्यों नहीं आया, हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? और पंडित रामकृष्ण, आप बहुत बड़े ज्ञानी बने फिरते, ना पहले आपने हमें जताया ना समझाया। वाह, उचित है, क्षमा करें गुरुवर। यदि आपको ऐसा लगता है कि विजयनगर का ये तुच्छ सेवक अपने ईश्वर समान महाराज के लिए कटु शब्द बोल सकता है, तो आपको उसके अभिनय की प्रशंसा करनी चाहिए। अर्थात जो दुर्वचन आपने महाराज के लिए कहे वो आपकी युक्ति? हाँ, पंडित रामकृष्ण, अपनी प्रशंसा करवा के समय नष्ट मत कीजिए। कृपया शीघ्र, अति शीघ्र हमें महाराज के पास ले चलिए। क्षमा के स्वर हमारे मुख से निकलने के लिए आतुर हो रहे हैं। हाँ गुरुवर। सैनिक महोदय, सैनिक महोदय, सैनिक महोदय, मैं गुरुवर को अपनी निगरानी में अपने दायित्व पर अपने साथ महाराज के समक्ष ले जा रहा हूँ, कृपया उनकी बेड़ियां खोल दे। जी पंडित रामकृष्ण जी। रामा, वाह, क्या दांव खिला है। हाँ बंधु, जैसे चोर चोर को पकड़ता है, लोहा लोहे को काटता है और विष विष को मारता है, वैसे ही आज मैंने क्रोध से क्रोध को नियंत्रण में कर लिया। हाँ, प्रणाम महाराज। महाराज, पंडित रामकृष्ण जी और आचार्य तथाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। गुरुवर, वो तो कारागृह में थे।
बुलाइए उन्हें। जो आगे महाराज। क्षमा कर दीजिए महाराज, जो सदाचार हमने आपको जीवन भर सिखाया हम स्वयं ही वो सदाचार भूल गए। कुछ एक क्षण कारागृह में व्यतीत करने के पश्चात गुरुवर हम देख रहे हैं कि आपकी विचारधारा ही परिवर्तित हो गई है। महाराज हम उस घटना के लिए लज्जित हैं, अतः हमें क्षमा कर दीजिए। आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण के साथ संकेत में वार्तालाप करके हमारा उपहास करने। गुरुवर क्या हो रहा है ये? महाराज गुरुवर क्षमा कर दीजिए महाराज। छोड़िए हमें। क्षमा कर दीजिए महाराज। छोड़िए महाराज, क्या एक छोटी सी घटना जीवन भर के संबंध को नष्ट कर देगी? हम क्रोधित हो रहे हैं गुरुवर। क्षमा क्षमा महाराज क्षमा। धन्यवाद महाराज, आपने हमें क्षमा कर दी। आप धन्यवाद मत कहिए, धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए। आज आपसे क्षमा मांगकर हमें एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया है। हमने जिस कठोरता से आपके साथ व्यवहार किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए गुरुवर। महाराज महाराज, कारागृह में होने के उपरांत भी गुरुवर केवल आपकी प्रशंसा ही करते रहे। उनके अनुसार आप जैसा महान शासक विजयनगर में तो क्या, इस धरती पर दूसरा और कोई है ही नहीं। आप सबसे दयालु और न्यायप्रिय हैं। और गुरुवर, मैंने तो सदैव महाराज को आपका सम्मान करते ही देखा है। इन्होंने इस राज्य का कोई भी निर्णय आपके बिना नहीं लिया और आपने भी सदैव उनका उचित मार्गदर्शन ही किया है। सत्य कहा आपने पंडित रामकृष्ण। गुरुवर हमारे पिता समान है और लज्जा आ रही है हमें कि हमने हमारे पिता समान व्यक्ति को मृत्यु दंड सुना दिया। हो सके तो गुरुवर क्षमा कर दे। तुम ना आयुष्मान भव, विजय श्री भव, सदैव प्रसन्न भव। गुरुवर, कारागृह से यहाँ आकर महाराज से मिलने का ये परिणाम हुआ कि मनों के भेद और अंतर मिट गए। अब न जाने मेरा मन ऐसा क्यों कह रहा है कि कई माह से आपने प्राणायाम नहीं किया, तो आज कर लीजिए। नहीं पंडित रामकृष्ण, आज नहीं, अभी हम व्यस्त हैं। महाराज व्यस्त हैं। कर लीजिए ना गुरुवर, कुछ समय लगेगा। फिर कभी। अरे कर लीजिए गुरुवर, फिर कभी। गुरुवर पंडित रामकृष्ण इतना आग्रह कर रहे हैं तो कर लीजिए आज प्राणायाम। वैसे भी हमें स्मरण हो रहा है कि बाल्यकाल में
आप हमें डांटते थे, हमारा हाथ पकड़ते थे और हमें व्यायाम कराते थे। गुरुवर, आज एक बार पुनः साथ में व्यायाम कर लें। जैसी आपकी आज्ञा। आइए बैठिए। हाथ तो पकड़िए। बैठिए बैठिए। बिल्कुल बाल्यकाल की बात। चलिए। रामकृष्णा, इस दृश्य को देखकर महाराज की भांति हमें भी कुछ कहने का मन कर रहा है। क्या अद्भुत। देवर, आप तो अवकाश पर थे, यहाँ कैसे? हम अभी भी अवकाश पर ही हैं, परंतु क्या करें, राज्य को तो अवकाश पर जाने नहीं दे सकते ना। पंडित रामकृष्णा, हम हमारे राज्य और महाराज के लिए हमेशा से चिंतित रहते हैं। अब वैसे आपसे एक बात करनी है, उस योद्धा और महाराज के द्वंद को लेकर आपने क्या उपाय लगाया? महाराज अभी शांत है मंत्रीवर, किंतु ये शांति स्थायी नहीं है, क्रोध की आंधी कभी भी आ सकती है। और अब तो इसका एक ही हल है मेरे पास। वो क्या? योद्धा पंचवृषा को क्रोध और आवेश में लाने का प्रयास करना है, जिससे वो अपना धैर्य खो सके और जिसका पूरा लाभ महाराज को हो। प्रणाम पंचवृषा महोदय। प्रणाम। वो क्या है कि मैं आपको स्मरण कराने आया हूँ कि आपका सामना महाराज कृष्ण देव राय से है। महाराज शूरवीर हैं, अजय हैं। उनके शौर्य की गाथाएं विजयनगर के कण कण में बसी हैं। तो ऐसे में तो आपका उनके सामने टिक पाना कठिन और दुष्कर हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण जी। जी महाराज का मेरे हाथों पराजित होना निश्चित है, क्योंकि अब विजयनगर का सिंहासन भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और ऐसा होते ही आप मुझे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लेंगे, क्यों? अवश्य। तो मेरे भावी महाराज, आपका भावी मुख्य सलाहकार होने के नाते मैं आपको उचित सलाह देने के लिए उपस्थित हो गया। मैं अपने विद्रोही को प्रथम बार में ही धाराशाही करना चाहता हूँ, तो बताइए कौन सी बड़ी शक्ति है उनके पास? हाँ, क्रोध। महाराज को जब क्रोध आता है ना, तो वो अपने शत्रु का सर्वनाश कर देते हैं। क्रोध? हाँ, और मैं भयभीत हूँ कि आप में तो क्रोध का तेज ही कहाँ, आप तो शांति के काल्पनिक अश्व पर सवार हैं। मैं मात्र बाहर से शांत हूँ, अंदर से मेरी क्रोध की ज्वाला जल रही है, जो लावा बनकर विस्फोट होने के लिए तड़प रही है। तड़पनी भी चाहिए, तड़पनी भी चाहिए, क्योंकि महाराज युद्ध के समय ऐसे दहाड़ते हैं कि वन का शेर तक भयभीत हो जाता है। हाँ, वो दहाड़ते हैं तो मैं गरजता हूँ, गरजता। मेरे वार से विजयनगर की भूमि फट जाएगी और कृष्ण देव राय मेरे चरणों में होंगे। कल अखाड़े में भेंट होगी कृष्ण देव राय। हाँ, उचित है। महाराज, ये सब कवच आप किस लिए पहन रहे हैं? उस योद्धा के वार से स्वयं की रक्षा के लिए। रक्षा के लिए? क्या आपको अपने विजय पे विश्वास नहीं है? दंड बालक, हमारे अतिरिक्त और किसी की विजय हो भी नहीं सकती। बड़ी महारानी जी, राज्य और महाराज के हित के लिए आपको एक अति आवश्यक कार्य करना होगा। पंडित रामकृष्ण, हम हर कार्य करने के लिए तैयार हैं, बस आप बोलिए। बड़ी महारानी जी, ये स्फटिक की माला आपको महाराज के गले में धारण करवानी होगी। इसका प्रभाव उनका चित्त शांत रखेगा, किंतु आपको ये प्रयास तभी करना है जब महाराज शांत हो। उचित है पंडित रामकृष्ण।
हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। आइए। आइए महारानी चिन्ना देवी, आपकी आंखों में हमें एक प्रश्न दिखाई दे रहा है महारानी चिन्ना देवी, उसे आंखों तक ही सीमित रखना चाहेंगे आप? नहीं महाराज, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु एकांत में। पंडित रामकृष्ण जी, आप मुझे बाहर क्यों लाए? क्योंकि देखिए, आप महाराज से बहुत कुछ सीख रहे हैं ना, तो ये भी सीख लीजिए कि जब महाराज और महारानी एकांत में हो तब वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। आप भी नहीं? मैं भी नहीं। तनिक महाराज, अब हुए हैं आप पूर्णता तैयार। परंतु ये है क्या महारानी चिन्ना देवी? ये आपके विजय का हार है महाराज। विजय का हार? परंतु द्वंद तो अभी समाप्त भी नहीं हुआ महाराज, उसके परिणाम पर हमें पूर्ण विश्वास है, जीत आपकी ही होगी, इसलिए तो हमने ये विजय हार पहले ही आपको पहना दिया। नगरवासियों, तुम्हारे महाराज अब तक नहीं आए। जहां योद्धा पंचरशा का भय होता है, वहां आने का साहस कोई नहीं कर पाता। विजयनगर नरेश, तुलवा वंश के शिरोमणि महाराजाधिराज कृष्णदेव राय जी पधार चुके हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! क्षमा करें महाराज, किंतु मेरे विचार से द्वंद आरंभ करने से पूर्व आपको विजय तिलक लगवा लेना चाहिए, वो भी इस बालक सोमू से। क्या है कि हर बालक में ईश्वर का वास होता है, तो विजय की कामना से बालक सोमू स्वयं आपको तिलक लगाएंगे। सत्य वचन महाराज। आओ बालक, तिलक करो। क्या बात है महाराज, कदम अखाड़े में आने से रुक गए? महाराज का युद्ध से पहले ही पीछे हटने का प्रयोजन है। महाराज तिलक तो करवा लीजिए। आइए बालक, शीघ्र तिलक लगाइए। मुझे नहीं आता, मैंने कभी किसी का तिलक नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। तुम भाग्यशाली हो जो सर्वप्रथम महाराज का तिलक करोगे। आओ चलो। आओ शीघ्र आओ। आज का ये तिलक इस क्रोध रूपी बालक की ओर से होना उसकी पराजय और महाराज के विजय की ओर पहला कदम है, और दूसरा कदम
मैं पूरा कर देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जी, पंडित रामकृष्ण, ये क्या किया आपने? पंडित रामकृष्ण, इस उद्दंडता का दंड मिलेगा आपको। क्षमा करते महाराज, महाराज। पंडित रामकृष्णा महाराज को बचा रहे थे, अब स्वयं ही दंड भुगतो। विजयनगर वासियों, तुम्हारे महाराज ने बिना लड़े अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, अतः मेरा सामना करने के स्थान पर उस निर्बल पंडित का पीछा कर रहे हैं। आज से मैं ही तुम्हारा महाराज हूँ। असंभव। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके एक वार ने ही मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं महाराज। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। उठिए और पंडित रामकृष्णा, आपका दंड अभी बाकी है। जी बंधु, रामा महाराज जिस आवेश से हमारी ओर बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही हमारा अंत है। महाराज क्षमा कर दें। महाराज पंडित रामा कृष्णा जी को आपका बिल्कुल भय नहीं है। ज्ञात है हमें, याद है कि पंडित रामकृष्ण को हमारा बिल्कुल भय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मित्र को अपने मित्र से भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है। पंडित रामकृष्ण हमें भली भांति जानते हैं, हमारे गुणों को, हमारे अवगुणों को भली भांति जानते हैं। क्यों पंडित रामकृष्ण, जानते हैं ना? हाँ महाराज। धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण, इस सिंहासन के हमारे जीवन में आने के पश्चात कितना कुछ घटित हो गया विजयनगर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में। इसके आने के उपरांत हमने लोभ काम क्रोध को तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में देख लिया,
परंतु बाकी के तीन अवगुण कब हमारे जीवन में प्रवेश कर गए हम समझ नहीं पाए। पंडित रामकृष्ण, आप हमारे मित्र हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें इस प्रकरण का बोध कराएं। बताइए पंडित रामकृष्ण, कब ये हमारे भीतर साक्षात हुए? महाराज, इस घटनाक्रम का आरंभ जब उज्जैन के संग्रहालय में पर्दे के पीछे पड़ी वस्तु के प्रति आपका आकर्षण जागृत हुआ, तब आपके भीतर उन अवगुणों के अंश धीरे धीरे आने लगे थे, किंतु 6 अवगुण संपूर्ण रूप से उस समय आपके भीतर प्रवेश कर गए जब आपने सिंहासन के दर्शन किए। महाराज, मेरा मत है कि हमें इस सिंहासन को विसर्जित कर देना चाहिए। हाँ महाराज। ये पंडित रामकृष्ण, यही उत्तम भी है, उचित भी है, और अनिवार्य भी। हम समझ गए पंडित रामकृष्ण, इस सिंहासन को विसर्जित करने के पश्चात ही हमें सही अर्थ में इन अवगुणों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महाराज, जीवन में भले ही एक ही मित्र हो, परंतु वो आप जैसा हो। धन्यवाद। आपका मित्र बनने का सौभाग्य हर जन्म में मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। चलते हैं, कल दरबार में भेंट होगी। जो आज्ञा महाराज। कामा, दरबार में भी मित्रों को विलंब से आने की अनुमति नहीं है, अतः नहीं नहीं महाराज, मैं कल दरबार में समयानुसार उपस्थित हो जाऊंगा। आज तो आपके लड्डुओं का स्वाद अधिक ही स्वादिष्ट प्रतीत हो रहा है। पंडित रामकृष्णा जी, मेरे लड्डू का स्वाद तो सदा एक सा ही रहा है, परंतु आज आप विशेष प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं, इस कारण से आपको मेरे लड्डू का स्वाद भी विशेष प्रतीत हो रहा है। आप सत्य कह रहे हैं महोदय, मनुष्य की मनोस्थिति कितनी प्रबल होती है, सकारात्मक रहे तो सब कुछ सुखद प्रतीत होता है। क्या है कि आज मेरी अम्मा तेनाली गांव से वापस आ रही हैं, इसलिए मन अत्यंत ही प्रसन्न है, और अम्मा को लड्डू बहुत प्रिय है, तो कृपया 2 सेर बांध दीजिए। जी पंडित रामकृष्णा जी। आभासंतरभासकः समरसः सर्वात्मना बोधकः। अरे, ये तो मेरे द्वारा अनुवादित ग्रंथ है, इसे कौन गा रहा है? आभासंतरभासकः समरसः सर्वात्मना बोधकः। अरे, ये तो मेरे द्वारा अनुवादित ग्रंथ है, इसे कौन गा रहा है? सोच्य शर्म दतातु सर्व जनता विवाही सिद्धाष्टकम् अस्मसु प्रत्येकः तस्य नियते अधिपतः। इसका अर्थ क्या है? अर्थात हम में से प्रत्येक अपनी नियति का स्वयं स्वामी है, मनुष्य अपना भाग स्वयं ही बना अथवा बिगाड़ सकता है। गुरु माता ने श्लोक के अर्थ की भी कितनी सुंदर व्याख्या की है। ओ, इसका अर्थ अत्यंत गहरा है।
हाँ गुंडप्पा। अम्मा, ए, मेरी अम्मा आ गई है, पकड़। अम्मा संभाल के संभाल के संभाल के। तिनाली गांव में सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है? अरे अम्मा ये देखो, मैं लड्डू लाया हूँ तुम्हारे लिए। अम्मा दो। अरे लड्डू नहीं, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। अम्मा शारदा कहाँ है? चली गई? कहाँ चली गई? अरे शारदा के बचपन की सहेली का स्वास्थ्य उचित नहीं है, इसलिए वो तेनाली गई है। अरे ये तुम दोनों सास बहू ने क्या लगा रखा है, एक आती है तो दूसरी चली जाती है। अभी तुम तेनाली गांव से आई हो तो वो चली गई क्या? अम्मा छोड़ो। वैसे गुरु माता, आपका संस्कृत भाषा का उच्चारण अत्यंत ही स्पष्ट है। धन्यवाद पंडित रामाकृष्णा, हमें हमारे स्वर्गीय पिताश्री ने संस्कृत की शिक्षा दी थी। वाह वाह वाह, अत्यंत ही ज्ञानी पुरुष रहे होंगे वो, उन्हें शत शत नमन। अम्मा अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण। प्रणाम गुरु माता। अम्मा ये गुरु माता क्यों आई थी? कुछ खाने आई थी? तुम्हारे लड्डू लेने आई थी? ओ, लड्डू चुराने आई थी बोलो। भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद देने आई थी। लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी? अम्मा भगवान को प्रसाद में लौकी की सब्जी कौन अर्पण करता है? हाँ ये लौकी की सब्जी गुरुवर की अत्यंत प्रिय सब्जी है ना, इसलिए। गुरु माता के प्रभु भी तो वही है। ये मेरा ग्रंथ बाहर किसने निकाला? कुंडप्पे मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरी किसी भी वस्तुओं को हाथ मत लगाया कर। अम्मा के लिए इस घर में तेला मेला कुछ नहीं है, जो है वो सबका है। धन्यवाद अम्मा। तूने मेला लड्डू क्यों था? अम्मा आप ही ने था ना, इस घर में तेला मेला तुझ नहीं है, जो है वो सबका है। रामा इतना अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं, दो ग्रंथों का अनुवाद अभी भी शेष है। महाराज द्वारा ग्रंथों के अनुवाद के लिए दी गई समय सीमा भी समाप्त होने वाली है। मेरी सलाह मान और व्यर्थ के प्रयोजन छोड़कर ग्रंथों का अनुवाद कर। हाँ बंधु तू सत्य कहता है, मुझे शीघ्र अति शीघ्र अनुवाद का कार्य समाप्त करना चाहिए। महाराज की जय। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम महारानी तिरुमलम्बा जी। प्रणाम महारानी चिन्ना देवी जी। प्रणाम। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया, सब कुशल तो है? हमने आपको यहाँ पर एक विशेष प्रयोजन से बुलाया महामंत्री जी। आपको तो ज्ञात है कि पंडित रामकृष्ण ने हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए कम है, और इस समय हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई यथोचित उपहार नहीं है और ना ही कोई सम्मानित पद है। अतः हमने एक नवीन योजना बनाई है जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि आप एक भव्य समारोह का आयोजन करें। विजयनगर राज्य के गणमान्य जनों को आमंत्रित करें। हम समस्त विजयनगर के समक्ष पंडित रामकृष्ण को सम्मानित करना चाहते हैं। महाराज ये तो अति उत्तम विचार है। महाराज हम अभी से सारी व्यवस्था कर लेते हैं, हमें आज्ञा दीजिए महाराज। अवश्य महामंत्री जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।
मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। क्या बात है महामंत्री जी, बड़े व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं। हम तो महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसी क्या आज्ञा दे दी महाराज ने आपको? महाराज की इच्छा है कि एक भव्य समारोह आयोजित कर विजयनगर के भद्र जनों के समक्ष पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया जाए। हैं? एक बार पुनः कहिए। पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया जाए, बस उसी की व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। और हाँ गुरुवर, आप भी अपने परिवार सहित इस समारोह में अवश्य पधारिएगा। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरु। आप देखिए ना गुरुजी, आप तो विजयनगर के महान राजगुरु हैं, किंतु आज तक महाराज ने आपके लिए तो महाराज ने आपके लिए भव्य समारोह तो क्या, एक छोटा सा तंबू लगा कर भी आपका सम्मान नहीं किया गुरुजी। खेल ग्रंथों का अनुवाद पूर्ण हुआ। अब मुझे शीघ्र ही इन्हें लेकर गुरुवर के पास पहुंचना चाहिए। वो मुझसे प्रसन्न भी हैं, पढ़ते ही स्वीकृति प्रदान कर देंगे। हाँ कदापि नहीं। महाराज की इच्छा है कि एक भव्य समारोह आयोजित कर पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया जाए। हमारे रहते पंडित रामकृष्ण का सम्मान कदापि नहीं हो सकता। गुरुजी, आप महाराज से विद्रोह करेंगे? ये भी तो सोचिए, सम्मान समारोह का आदेश स्वयं महाराज ने दिया है। हाँ प्रणाम गुरुवर। प्रणाम धनी मनी। मैंने कहा प्रणाम। क्या है, यहाँ क्यों आए हो? गुरुवर, मैंने महाराज द्वारा दिए गए ग्रंथों का अनुवाद पूर्ण कर लिया है, आप कृपया एक बार जांच लें बस। सम्मानित होने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो पंडित रामकृष्ण, अभी आपको सबक सिखाते हैं। अवश्य अनुवाद कार्य की जांच करना अत्यंत आवश्यक। हाँ महाराज ने हमें आपका मार्गदर्शक बनाया है पंडित रामकृष्ण, पर हमारी जांच के बिना आप इन अनुवादित ग्रंथों को महाराज के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये सदैव स्मरण रखिएगा पंडित रामकृष्ण। इसी कारण तो आपके पास इन ग्रंथों को लेकर आया हूं गुरुवर। उचित, बैठिए और हमें ग्रंथ पढ़कर सुनाइए। बैठिए बैठिए। गुरुवर, गणेश वंदन से ग्रंथ पढ़ना आरंभ करूं या सीधा अनुवादित पद पढूं? कैसे पंडित हो पंडित रामकृष्ण, इतना भी ज्ञात नहीं है आपको? कोई भी शुभ कार्य गणेश वंदना से ही प्रारंभ होता है। हाँ हाँ हाँ, क्षमा करें गुरुवर। शुक्लांबर धर्म विष्णुम शशिवत। पंडित रामकृष्ण चिल्ला क्यों रहे हैं आप? चिल्ला क्यों रहे हैं? उठिए, थोड़ा दूर जाइए, वहां जाकर पढ़िए।
शुक्लांबर धर्म विष्णुम शशि क्या क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पंडित रामकृष्णा, वो ग्रंथ आप हमें दे दीजिए, हम पढ़ेंगे तो स्वामी को अवश्य सुनाई देगा। जो आ गया गुरु माता, ये लीजिए। शुक्लांबर धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न पुशांतये। वाह 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 गुरु माता, आपका कंठ कितना मधुर है और उच्चारण कितना शुद्ध। वरुण माला, जाइए, जाके जल लेके आइए, हमें अत्यधिक प्यास लगी है। जाइए पंडित रामकृष्ण, ये पकड़िए ग्रंथ और पढ़िए। जी गुरु। शुक्लांबर धर्म, एक क्षण पंडित रामकृष्ण, एक क्षण। आज का दिवस बड़ा उष्ण भरा है। धनी बनी जाओ, जाकर पंखा लेकर आओ। जो आज्ञा गुरु जी। अभी लेकर आते हैं। गुरुवर, यदि अब आपकी आज्ञा हो तो मैं। हाँ पढ़िए पढ़िए, कृपया पढ़िए। शुक्लांबर धर्म विष्णु। एक क्षण पंडित रामकृष्ण, एक क्षण। हमें ऐसा प्रतीत होता है कोई द्वार खटखटा रहा है, जाओ देखो। गुरुजी कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा हाँ। हमें भ्रांति हो गई थी। कृपया पंडित रामकृष्णा पाठ आरंभ कीजिए। शुक्लांबर धर्म। पंडित रामकृष्णा क्या कर रहे हैं आप, फिर चिल्ला रहे हैं आप? हमने चिल्लाने के लिए नहीं कहा है, पाठ पढ़ने के लिए कहा है। लाइए हमें दीजिए, हम स्वयं पढ़ लेंगे। आपका अनुवाद बहुत ही निम्न स्तर का है, हम इसे अनुमति नहीं दे सकते। किंतु गुरुवर, आपने तो ग्रंथ पढ़ा ही नहीं। महान है स्वामी, महान है आप। मात्र कुछ प्रश्नों को स्पर्श करके ही आपने संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ लिया। महान है, जय हो आपकी, जय हो स्वामी, जय हो आपकी। बस 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 बस। जल स्वामी। जल का क्या करें? हमें क्या नहीं, आप ही ने हमसे लाने को कहा था। हमने कब कहा? गुरुवर कृपया, अब आप ये ग्रंथ। कृपया पंडित रामकृष्ण। स्वामी हम इस जल का क्या करें? वरुण माला शांत रहो, हम पंडित रामकृष्णा से किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अवश्य कीजिए स्वामी, हम आपसे कब मना कर रहे हैं, परंतु हमें आज्ञा दे दीजिए कि हम इस जल का क्या करें। क्या है ये जल 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 जल, हमारे सर पर डाल दीजिए जल। पंडित रामकृष्ण पढ़िया। जो आज्ञा स्वामी। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम स्वामी। आपका स्पर्श पाकर पवित्र हुए जल से आपने हमें स्नान करा दिया। धन्य हो गए हम स्वामी, धन्य ही हो गए। हे ईश्वर, अब जाइए वरुण माला, अब कृपया भीतर जाइए, जाइए। जी स्वामी। महाराज ने हमें आपका मार्गदर्शक बनाया है और आपके अनुवाद में अत्यधिक त्रुटियां हैं। यदि महाराज ने इसे पढ़ा तो आपके साथ साथ हमें भी दंड देंगे, जो हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। गुरुवर, गुरुवर,
लेके जाइए ग्रंथ और उन्हें अनुवाद करके लाइए आप। नहीं अम्मा जी, हमारा कहने का तात्पर्य ये था। हाँ अरे नहीं नहीं वो हाँ। ओ, प्रणाम पंडित रामकृष्णा। बधाई हो पंडित रामकृष्णा, कल प्रातः काल महाराज ने आपके सम्मान में एक भव्य आयोजन किया है। महाराज को, विजयनगर की प्रजा को, यहां तक कि हमें भी आपके किए गए सराहनीय कार्यों पर गर्व है और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार सहित कल राज दरबार में उपस्थित होंगे। जो आज्ञा मंत्री सर। अब हमें आज्ञा दीजिए पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम अम्मा। अम्मा, गुरुवर ने मेरे द्वारा अनुवादित ग्रंथों को अस्वीकार कर दिया है और कल ग्रंथों के अनुवाद की महाराज द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो रही है। तो क्योंकि गुरुवर को महाराज ने मेरा मार्गदर्शक बनाया है, उनकी स्वीकृति के बिना मैं ये ग्रंथ महाराज के समक्ष प्रस्तुति नहीं कर पाऊंगा और मुझे ज्ञात है मैं चाहे कितना भी अच्छा अनुवाद कर लूं ना, गुरुवर मुझे कभी स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। क्या ठीक है? एक ओर गुरुवर मेरे ग्रंथों को अनुमति नहीं देना चाहते तो दूसरी ओर महाराज मेरे सम्मान में समारोह रख रहे हैं। कल अनुवादन पूर्ण करने का अंतिम दिवस है, यदि महाराज ने अनुवादित ग्रंथ मांग लिया तो। पड़ोसी राज्यों से पधारे बुद्धिजीवी आचार्यगण, विजयनगर राज्य के विशिष्ट अतिथि, राज के सभासद एवं गणमान्य नागरिक, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमें अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है और इसी कारण से हमने इस भव्य समारोह का आयोजन किया है। उपस्थित सभी भद्रजनों का हम अभिवादन करते हैं और आप सभी को यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। महामंत्री जी। महाराज, जो आज्ञा महाराज। सेवक, पंडित रामकृष्ण को सम्मान में प्रदान किया जाने वाला चिन्ह सभी को दिखाइए। अरे तो सम्मान जड़ित वस्तु पूरे हीरे जड़ित है।
कृष्णा। महाराज आइए। जो आ गया महाराज। सेवक, आगंतुक को सूचित कीजिए कि आज यहां राज दरबार में समारोह है। उनसे कहिए कि उनकी समस्या कल दरबार में लेकर आए। रुकिए, वो जो भी है उन्हें भीतर बुलाइए। किंतु महाराज, यहां हमारा समारोह जो मंत्री जी, एक राजा होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान निकालें। समारोह की प्रसन्नता में हम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होंगे महामंत्री जी। हम समझ गए महाराज। ध्यान से देखिए, ये तो वही व्यवसायी है जिसे पिछले वर्ष आपने धोखे से लूट लिया था। नहीं नहीं गुरुजी, इसका कहने का अर्थ है कि वही है जिनके यहाँ पर आप पिछले साल गए थे अनुष्ठान करने। याद कीजिए। प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम विष्णु रमन है। इस अनुचित समय में यहाँ आकर इस सम्मान समारोह में व्यवधान डालने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु महाराज, सम्मान तो उसका होना चाहिए जो सम्मान के योग्य हो। पंडित रामकृष्ण की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार आपको किसने दिया? स्वयं पंडित रामकृष्ण ने महाराज। महाराज, इनके कारण सब कुछ नष्ट हो गया। मेरी गृहस्थी, मेरा व्यवसाय, मेरा संपूर्ण जीवन, सब कुछ छीन लिया इन्होंने महाराज। विस्तार से बताइए हुआ क्या है? महाराज, पंडित रामकृष्णा ने मेरी पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मुझे ज्ञात होता कि ये मेरी पत्नी के संपर्क में है तो मैं दूसरे राज्य व्यवसाय के लिए जाता ही नहीं। हे भगवान! इनके कथन के प्रभाव में आकर मेरी पत्नी ने मुझे दूसरे राज्य व्यवसाय करने के लिए कहा और मेरी अनुपस्थिति का इन्होंने लाभ उठाया और मेरे विरुद्ध मेरी पत्नी को भड़का दिया। अब मैं वापस आ गया हूँ महाराज, किंतु मेरी पत्नी मेरे व्यवसाय का नियंत्रण देने से मुझे मना कर रही है। देवी, जो आपके पति कह रहे हैं वो सत्य है? जी महाराज, ये सर्वत्र सत्य है। मेरा भी एक सत्य है, इनके व्यापार को अपने नियंत्रण में करने के पीछे छुपी हुई विवशता का सत्य, अपने ही पति के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा का सत्य। और एक क्षण रुकिए देवी जी, ये शब्दों के जाल में फंसा कर विषय को भटकाने की चेष्टा मत कीजिए। महाराज, हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, भला एक स्त्री का व्यवसाय से क्या संबंध? बताइए। और आप, अब क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। विष्णु रमन। विष्णु रमन महोदय, आप भी कम दोषी नहीं। भला कोई पुरुष अपना व्यवसाय स्त्री को सौंप कर जाता है?
कदापि नहीं जाता है, जाना भी नहीं चाहिए। हमारे उदाहरण से आपको सीखना चाहिए, हमारी पत्नी सदैव हमारी भक्ति में लीन रहती है, इतना लीन रहती है कि हमारे अतिरिक्त उन्हें संसार के किसी और विषय की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। उनके लिए पति भक्ति ही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची भक्ति होती है। पंडित रामकृष्णा। महाराज, हुआ यूं था कि विष्णु रमन महोदय सदैव अपने बही खातों में हानि ही अंकित करते थे और ये तो स्वयं को दिवालिया घोषित करना चाहते थे, किंतु मेरी सलाह पर इनकी पत्नी देवी देवप्रिया ने इन्हें दूसरे राज्य जाकर व्यवसाय करने की प्रेरणा दी और ये स्वयं यहाँ के व्यवसाय का बागडोर संभालने लगी, जिसके पश्चात इनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। महाराज, ऐसी सलाह देने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जब विष्णु रमन महोदय वापस आए और अपने व्यवसाय को फलता फूलता देखें तो इन्हें अपनी त्रुटि समझ में आए और ये उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करें। बस पंडित रामकृष्णा, आपके कहने का तात्पर्य है कि मैं व्यवसाय के योग्य नहीं हूं, मुझ में व्यापार करने की समझ नहीं है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये व्यापार मेरे द्वारा बनाई गई योजना पे स्थित है, मेरी योजना इस व्यापार की नींव है। विष्णु रमन महोदय, मैं आपके योगदान को कहां नकार रहा हूं? निस्संदेह व्यवसाय आपकी योजना के अनुसार ही अस्तित्व में आया है, किंतु 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 परंतु किंतु परंतु क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण आप? व्यवसाय करना पुरुषों का कार्य होता है और ईश्वर के बनाए हुए नियम को बदलना बहुत बड़ी भूल होती है। नई परिपाटी का चलन विनाशकारी होता है, क्या इतना भी आपको ज्ञात नहीं है? महाराज, नींव का दृढ़ होना अत्यधिक आवश्यक होता है। नींव दृढ़ होती है तभी भवन बनता है। महाराज, ये जो नींव होती है वो जो है गुरुजी विषय पर आइए ना, आप तो हमेशा भटक जाते हैं। महाराज, इस स्त्री का आचरण परंपरा के सर्वथा विरुद्ध, हमारे समाज में जीवन यापन की व्यवस्था करना पुरुषों का कार्य होता है, महिलाओं का कार्य नहीं है। वो महिलाओं के लिए गृह प्रबंधन, वो घर में रहें, चूल्हा जलाएं, भोजन पकाएं, बच्चों का लालन पालन करें, और भी अनेकों कार्य हैं गृह में, वो करें। शास्त्रों में भी ऐसा विधान है महाराज, और जो विधान को बदलने की चेष्टा करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। सत्य वचन गुरुवर सत्य है, स्त्री और व्यवसाय अनुचित है। हाँ, सत्य वचन गुरुवर सत्य है। शांत महोदय, व्यवसाय अवश्य आप ही ने आरंभ किया था, परंतु आपकी अनुपस्थिति में आपकी धर्मपत्नी ने दिवालिया होने के पश्चात भी व्यवसाय की उन्नति की। अतः हमारा मानना है कि आप दोनों ही व्यवसाय के लिए उपयुक्त हैं, तो ये व्यवसाय आप दोनों को साथ मिलकर संभालना चाहिए। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अवश्य महारानी चिन्ना देवी, पूछिए। एक महिला अपने शिशु को जन्म देती है, किंतु किसी कारणवश उस महिला को अपने शिशु को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता है। उस शिशु का पालन पोषण उसके पड़ोस में रहने वाली निर्धन बाल विधवा युवती ने किया, बड़े ही स्नेह के साथ। एकमात्र रोटी होने पर भी
वो स्वयं भूखी रहकर अपना भाग उस बालक को खिलाकर अपना संपूर्ण जीवन उस पर न्यौछावर कर उसे बड़ा करती है। किंतु फिर यदि अचानक कुछ वर्षों उपरांत उस शिशु को जन्म देने वाली माँ लौट आए और उस बालक पर अपना अधिकार जताए, उसे अपने साथ ले जाने की जिद करे, तो क्या ये उचित है महाराज? इसमें तो शंका की कोई बात ही नहीं है महारानी चिन्ना देवी जी। जन्म देने वाली मां से पालन पोषण करने वाली मां का अधिकार अधिक होता है, यह तो सर्वविद्य तथ्य है। परंतु इस प्रश्न का विष्णु रमन महोदय की समस्या से क्या संबंध है? जन्म देने वाली मां विष्णु रमन महोदय हुए, शिशु हुआ इनका व्यापार, और शिशु को पाल पोस के बड़े करने वाली माँ हुई इनकी धर्मपत्नी देवी देवप्रिया। अब हम पूछना चाहते हैं कि ये सर्वविदित तथ्य विष्णु रमन महोदय की समस्या के संबंध में लागू क्यों नहीं होता है गुरुवर? महाराज, विष्णु रमन महोदय ने व्यापार की नींव अवश्य रखी थी, किंतु व्यापार हानि में था। देवी देवप्रिया ने उस व्यापार को अपनी कुशलता से उन्नत किया। हमारी राय में विष्णु रमन महोदय को योजनाएं बनानी चाहिए, किंतु व्यापार का दैनिक नियंत्रण देवी देवप्रिया को ही करना चाहिए। किंतु रानी चिन्ना देवी जी, देवप्रिया एक नारी है। नारी निरी नहीं होती महोदय, उसे कम आंकने की भूल ना करें। यदि नारी ना होती तो पुरुष जन्म नहीं ले पाता। प्रसव की प्रक्रिया में नारी अभूतपूर्व पीड़ा सहन करती है, किंतु फिर भी मुस्कुराती। पुरुषों के लिए अकल्पनीय इस पीड़ा में भी नारी अपनी शिशु के लिए एक कल्पना का संसार रचती है। अद्भुत महारानी चिन्ना देवी, हम आपके सभी तर्कों से सहमत हैं। विष्णु रमन महोदय जी, महाराज हमारा निर्णय है कि योजनाएं आप बनाएं, किंतु व्यापार का प्रबंधन देवी देवप्रिया को ही करने दें। आपके आज्ञा शिरोधार है महाराज। रानी चिन्ना देवी जी के तर्कों ने मुझे समझा दिया है कि पुरुषों के जीवन में स्त्री का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। किंतु महाराज, मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या ये महत्व रानी चिन्ना देवी जी, रानी तिरुमलंबा देवी जी को प्राप्त होगा? क्या वो आपका कार्य अर्थात राजपाट संभालेंगी? महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और आपसे आज्ञा मांगता हूं। प्रणाम महाराज। चलो, मंत्रीवर। हाँ, कुछ कीजिए, महाराज स्तब्ध हो गए। जी, महाराज, महाराज।
विद्वान के सम्मान में विद्वानों की उपस्थिति अनिवार्य है। और इसी कारणवश हमने आप सभी को यहां आमंत्रित किया। पंडित रामकृष्णा हमारे राज्य के अमूल्य धरोहर है। अपनी बुद्धिमता से उन्होंने कई बार हमें हमारे राज्य को संकटों से मुक्त किया है और यही कारण है कि आज का यह समारोह पंडित रामकृष्ण के सम्मान में आयोजित किया गया है। पंडित रामकृष्ण का सम्मान करने से पूर्व हम आज के दिवस को और भी महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। पिछले एक माह से पंडित रामकृष्ण हमारे द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं। आज हम आप सभी के समक्ष उन अनुवादित ग्रंथों का विमोचन करेंगे, जिससे हमारे ग्रंथ हमारी प्रजा तक उन्हीं की भाषा में भली भांति पहुंचाए। अब क्या करोगे पंडित रामकृष्ण? लामा, पेट में पीला होने का नाटक कर लूं मैं? पंडित रामकृष्ण महाराज, हम चाहते हैं कि आप सभी के समक्ष वो अनुवादित ग्रंथ प्रस्तुत करें। पंडित रामकृष्ण द्वारा अनुवादित ग्रंथ अत्यंत ही भावपूर्ण और आनंददायक होगा। हम महाराज द्वारा रचित और पंडित रामकृष्ण द्वारा अनुवादित ग्रंथ को सुनने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। उत्साहित तो हम भी हो रहे हैं। शीघ्र ही पंडित रामकृष्ण वो अनुवादित ग्रंथों से आपके कानों को तृप्त करेंगे। प्रस्तुत कीजिए पंडित रामकृष्ण, ग्रंथ प्रस्तुत कीजिए। पंडित रामकृष्ण क्षमा करें महाराज, मैं अनुवाद का कार्य पूर्ण नहीं कर पाया।